जी, इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ेंगे सोशलाइजेशन और सोशियोलॉजी का, वो है द सेल्फ एंड सोशलाइजेशन। ठीक है, कि सोशलाइजेशन जो है वो सेल्फ पे किस तरह से इफेक्टेड है। कह रहे हैं जी व्हाट इज सेल्फ। ठीक है, इसमें कुछ थेरिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, उनके नेम और इनका जो काम है सोशलाइजेशन के पास में, वो आपको रिमाइंड करना है अच्छी तरह से। ठीक है जी, इसमें कह रहे हैं व्हाट इज सेल्फ, सेल्फ क्या है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट है, रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। जी जॉर्ज हर्बर्ट मीड एक सोशियोलॉजिस्ट है जिसने सेल्फ का जो कंसेप्ट है उसको रिकॉग्नाइज किया था वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, सेल्फ इज़ ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी डेट सेट अस अपार्ट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, कह रहे हैं कि सेल्फ जो है वो एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। ठीक है जी, एक ऐसी पहचान है, ठीक है, जो हमें दूसरे से, दूसरे इंसान से मुख्तलिफ करती है। ठीक है, इट इज़ नॉट ए स्टैटिक फिनोमेना। वो कह रहे थे कि मुंजमद फिनोमेना नहीं है सेल्फ का। ठीक है, क्या है, डायनेमिक फिनोमेना है। इट कंटिन्यूज टू डेवलप एंड चेंजेस थ्रू आउट लाइफ। तो कह रहे थे थ्रू आउट लाइफ क्या है, डिवेल्प होता रहता है और चेंज होता रहता है। क्या है, सेल्फ का फिनोमेना। ठीक है, अपने आप का फिनोमेना। ठीक है, देयर आर टू अप्रोचेज ऑफ सेल्फ। ठीक है, कह रहे कि सेल्फ की जो है वो दो अप्रोचेज हैं, एक साइकोलॉजिकल व्यू है और एक सोशियोलॉजिकल व्यू है। दोनों को हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे कोर्स में इंक्लूडेड हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल क्रू, सॉरी साइकोलॉजिकल अप्रोच टू सेल्फ। ठीक है जी, पहले हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल, सॉरी सोशियोलॉजिकल अप्रोच, फिर हम साइकोलॉजिकल पढ़ेंगे, पहले सोशियोलॉजिकल पढ़ते हैं। ठीक है जी, देर आर फोर सोशियोलॉजिकल अप्रोचेज ऑफ सेल्फ विच आर कॉले, ये जो हैं कॉले, मीड, मीड और गुफमैन। ठीक है, ये जो पॉइंट्स फोर बने हैं ये क्या हैं, ये चारों जो हैं क्या हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है जी, इनकी थियरीज हैं आगे सेल्फ से रिलेटेड। ठीक है, सेल्फ क्या है, एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम इन दोनों थियरीज को ना पढ़ें। ठीक है जी, फर्स्ट में कोले है, ये नेम है थियरिस्ट का, सोशियोलॉजिस्ट का। ठीक है, इसने जो थियरी दी थी वो है लुकिंग ग्लास सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट मीड है द स्टेज ऑफ सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पे फिर मीड है, मीड की दो थीरीज हैं। ठीक है, द थेरी ऑफ सेल्फ। ठीक है, एंड फोर वन गुफमैन, गुफमैन भी थेरिस्ट है, इसने कौन सी दी थी, प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्फ। ठीक है, ये फोर थीरीज हैं सोशियोलॉजिकल अप्रोच में। फर्स्ट वन हम देखेंगे कॉलेज थ्योरी। ठीक है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ठीक है जी, ठीक है जी, इसमें कह रहा है कि अर्ली 90s चार्ल्स हॉटन कोले, जिसका पूरा नेम है, ठीक है, कोले का शॉर्ट में हम कोले इसको लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, एडवांस द बिलीव दैट वी लर्न हु वी आर बाई इंटरेक्टिंग विद अदर्स। ठीक है, कह रहे हैं कि चार्ल्स हर्बर्ट हॉटन कोले ने क्या, ये उसका बिलीव था कि वी आर बाई इंटरेक्टिंग विद अदर्स, हम ये दूसरों से इंटरेक्ट करने से जानते हैं। ठीक है, जब हम दूसरों से मिलते जुलते हैं तो हमें पता लगता है हु आर वी, के हम कौन हैं, जिसे उसने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का नाम दिया, सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट। ठीक है, जब हम दूसरों से मिलते जुलते हैं तो ठीक है, जिस तरह से वो हमें देखते हैं उसी तरीके से हम अपने आप को देखते हैं। ठीक है जी, हम ये, ठीक है, ये साइड में आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, ग्लास सेल्फ थ्योरी की, हो माई मॉम एंड डैड सी मी, हो माई गर्लफ्रेंड सी मी, हो माई ओल्डर ब्रदर सी मी, हो माई एक्स गर्लफ्रेंड सी मी। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, जैसे जैसे इंसान को दूसरे लोग समझते हैं वैसे ही वो खुद को क्या करता है, समझना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो अपने आप को कह रहे हैं कि इंसान की जो है एक जो सेल्फ है वो एक ग्लास की तरह है। ठीक है, उसमें जो जो परछाई आती जाती है वो इंसान की सेल्फ बनती जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है मीड की थ्योरी। इसकी कौन सी थ्योरी है, द स्टेजेस ऑफ सेल्फ, कि जो स्टेजेस हैं सेल्फ की वो कौन सी है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड डेवलप्ड ए यूजफुल मॉडल ऑफ प्रोसेस बाय विच द सेल्फ इमर्ज थ्रू थ्री डिफरेंट स्टेजेस। कह रहे हैं कि इंसान जो है तीन मुख्तलिफ सतहें हैं, स्टेजेस हैं, जिनसे गुजर के वो अपनी सेल्फ को क्या करता है, बनाता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ प्रेपरेटरी स्टेज, सेकेंड वन इज प्ले स्टेज, एंड थर्ड वन इज गेम स्टेज। ठीक है, इसमें जो नेम है वो इतने ही काफ़ी हैं। ठीक है, यही आप याद कर लें। ठीक है, क्योंकि आपका इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, इसको हम मज़ीद ब्रीफ करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा हमारा जो
टॉपिक है जो हमारा चैप्टर है, ठीक है। ये नेम जो है प्रिपरेटरी स्टेज, सेकेंड प्ले स्टेज एंड थर्ड गेम स्टेज, ठीक है। इसको मज़ीद नहीं, थोड़ा थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे इन स्टेजेस को, ठीक है जी। फर्स्ट वन क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है जी। कह रहे कि चिल्ड्रन इमिटेट द पीपल अराउंड देम, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। कह रहे कि जो बच्चे हैं वो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके बिहेवियर को वो जल्दी इमिटेट करते हैं, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो उसका वास्ता करते हैं वो अपने घर वालों से करता है, फैमिली मेम्बर से करता है, विद होम दे कंटिन्यूली इंटरेक्ट, जिनसे लगातार उनकी क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, जिनके अंदर वो मुसलसल मौजूद है। एज दे ग्रो ओल्डर, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है बच्चा, चिल्ड्रन बिकम मोर एडेप्ट एट यूजिंग सिम्बल्स, ठीक है, तो वो मोर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दूसरी सिम्बल्स को भी अडॉप्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। दूसरी सिम्बल्स कौन सी हैं वो नेक्स्ट स्टेज में वो बता रहा है, द प्ले स्टेज, ठीक है। चिल्ड्रन डिवेल्प स्किल्स इन कम्युनिकेशन थ्रू सिम्बल्स एंड रोल टेकिंग, ठीक है। ये साइड पे पिक्चर भी बनी हुई है, वो ब्लॉक्स बने हुए हैं बच्चे जिनसे खेलते हैं, ठीक है, वो सिम्बल्स हैं, ठीक है, पजल्स होती हैं, क्योंकि प्ले स्टेज में आ जाते हैं वो, अपने माँ बाप फैमिली से निकल के खुद से भी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से क्या करते हैं, प्ले स्टेज में आ जाते हैं। रोल टेकिंग इसमें प्रोसेस ऑफ मेंटली अज्यूमिंग पर्सपेक्टिव ऑफ एन अदर एंड रिस्पॉन्डिंग फ्रॉम दैट इमेजिन व्यू पॉइंट, ठीक है। कह रहे हैं कि इस स्टेज, यही वो स्टेज है जिसमें एक जो बच्चा है वो रोल टेक करता है, ठीक है, उसको पता चलना शुरू हो जाता है कि उसने कौन सा रोल जो है वो अडॉप्ट करना है, ठीक है। जैसे अगर लड़की है तो स्टेज पे वो क्या करेगी, डॉल्स के साथ प्ले करेगी, डॉल्स के साथ खेलेगी, ठीक है। और जो बॉयज़ हैं, ठीक है, वो डॉल्स के साथ खेलने के बजाय क्या करेंगे, वो गाड़ियों के साथ और इस तरह की चीज़ों के साथ खेलेंगे, ठीक है। क्या ये रोल्स भी जो हैं वो क्या हैं, अडॉप्ट करेंगे बच्चे, ठीक है, जो जो उनकी जेंडर के हिसाब से रोल होंगे। एंड द लास्ट थर्ड वन इज़ गेम स्टेज, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 8 और 9 कंसिडर सेवरल एक्चुअल टास्क एंड रिलेशनशिप साइमल्टेनियसली, ठीक है। कह रहे हैं कि चिल्ड्रन जब 8 या 9 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो डिफरेंट टास्क, ठीक है, और गेम की सूरत में जो है वो रिलेशनशिप अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो प्ले गेम्स खेलते हैं और अपनी आप अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो सेल्फ की आइडेंटिटी है, वो गेम्स के थ्रू अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। मीड यूज़ द गेम ऑफ बेसबॉल एज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टेज, ठीक है। इसमें उसने जो है वो बेसबॉल गेम है उसकी वजह से उसने एक तस्वीर डाली है कि 8 से 9 साल के बच्चे क्या हैं वो गेम्स खेलते हैं, इसी के थ्रू क्या है वो सीखते हैं। थर्ड वन भी जो है वो मीड की थीरी है, थीरी ऑफ सेल्फ, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि सेल्फ बिगिंस एज प्रिविलेज्ड सेंट्रल पोजिशन इन ए पर्सनस वर्ल्ड, ठीक है। कह रहे कि जो सेल्फ है इंसान की, जो सेल्फ है आप कह सकते हैं कि मैं जो है ठीक है, वो शुरू हो जाती है सेंट्रल पोजीशन है पर्सनल वर्ल्ड, इंसान का जो अपना एक वजूद है, इंसान की जो एक दुनिया है जिसके अंदर इंसान खुद ही बसा हुआ है, वो उसकी सेंट्रल पोजीशन है, ठीक है, वो उसका उसी पे बेस करती है जो टोटल जो इंसान की सेल्फ है, ठीक है। एज द पर्सन मैच्योर्स द सेल्फ चेंजेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं कि जैसे जैसे बंदा मैच्योर होता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, तो सेल्फ का जो कंसेप्ट है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, बदलता रहता है। एंड बिगिंस टू रिफ्लेक्ट ग्रेटर कंसर्न अबाउट रिएक्शंस ऑफ अदर, ठीक है। और वो क्या करता है, ऐसा ऐसा रिफ्लेक्ट करता है दूसरों के कंसर्न को, जो जैसे जैसे दूसरे जो हैं वो उसकी ज़िंदगी में जिनके साथ उसके इंटरेक्शन, जैसे जैसे वो रिएक्ट करते हैं उसके साथ, वैसे वैसे वो अपनी सेल्फ को क्या करता है, चेंज करता रहता है, ठीक है। ये नेक्स्ट अगले कार्टून भी उसने दिया है, हु डज वन इम्प्रूव द सेल्फ, ठीक है। कहते हैं कि वन सेल्फ शुड इम्प्रूव हिमसेल्फ, ठीक है, कि कैसे जो है वो कह रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ को इम्प्रूव कर सकते हैं, दूसरों के बेस कर रहे हैं, जैसे जैसे दूसरे कहेंगे जी ठीक है ये चीज़ तुम्हारे में ठीक नहीं है, ये चीज़ तुम्हारे में ठीक है, इस चीज़ को इम्प्रूव करो, इस चीज़ को इम्प्रूव करो, ठीक है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, मैच्योर होता है, वो अपने आप के क्या करता है, अपनी सेल्फ को इम्प्रूव करता जाता है, बदलता जाता है दूसरों के कहने पर, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज़ एवरिंग गुफमैन, ठीक है। इसकी जो है वो प्रेजेंटिंग ऑफ द सेल्फ थ्योरी है, ठीक है। इसने कहा कि हैज़ शोन डैट इन मैनी ऑफ अवर डेली एक्टिविटीज़ वी ट्राई टू कन्वे डिस्टिंक्ट इम्प्रेशंस ऑफ हु वी आर
ए प्रोसेस कॉल्ड इम्प्रेशन मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो कह रहा है कि एवरी डे जो हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, जो डेली की हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकें दूसरे इंसान तक, ठीक है, दूसरे लोगों तक, कि हु वी आर, कि हम कौन हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को उसने क्या किया, इम्प्रेशन मैनेजमेंट, अपने इम्प्रेशन जो है वो डालते हैं, ठीक है, हम दूसरे इंसान पे। ठीक है, कहता है हम डेली एक्टिविटीज जो हम करते हैं वो हम एक इम्प्रेशन डाल रहे होते हैं दूसरे लोगों पे कि हम कौन हैं। ठीक है, इसको उसने इम्प्रेशन मैनेजमेंट का नाम दे दिया। नेक्स्ट, उसमें ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच का नाम दे रहे हैं। इसी प्रोसेस को जो इम्प्रेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस है, जो हम दूसरों पे अपना कह रहे हैं अक्स डालते हैं, ठीक है, कि क्या हम क्या चीज़ हैं, ठीक है, अपना आप हम शो करते हैं, उसको क्या कह रहे हैं, वो ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच का भी नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट, ये सोशोलॉजिकल हमारी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल अप्रोचेज जो हैं वो सेल्फ की, वो हम देखते हैं कौन सी हैं। इसमें साइकोलॉजिस्ट हैव आल्सो शेयर इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ने भी अपना जो है शेयर किया है। ठीक है, इसमें दीज साइकोलॉजिस्ट इंक्लूड सिगमंड फ्रॉयड एंड जेन पियाजेट, ये दो बोर्ड इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व है, इनका भी हम जो है वो पढ़ेंगे कि इन्होंने सेल्फ के बारे में क्या कहा। फर्स्ट वन इज सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है, सिगमंड फ्रॉयड ने क्या कहा, सेल्फ इज़ ए सोशल प्रोडक्ट। ठीक है, कि सेल्फ जो है वो क्या है, एक सोशल प्रोडक्ट है, माशरे ने ये क्या है पैदा किया है इसे भी। सेकेंड, वो कह रहे हैं पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस्ड बाई अदर्स स्पेशली वंस पेरेंट, कह रहे हैं कि सेल्फ जो है पर्सनैलिटी है जो दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हुई है। ठीक है, स्पेशली वंस पेरेंट्स, खासतौर पर वालदैन की। ठीक है, एक बच्चा जो है सबसे पहला तो उसका इंस्टीट्यूशन फैमिली होती है, जब वो पैदा होता है वो अपनी फैमिली से चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक जो बच्चा होगा वो अपनी फैमिली की जो है वो चीज़ें जो है वो अडॉप्ट करेगा, अपनी फैमिली से इन्फ्लुएंस होगा, उनसे मुतासर होगा, तो उसकी जो है वो पर्सनैलिटी डिवेल्प होगी। थर्ड वन इज सेल्फ हैज़ कंपोनेंट दैट वर्क इन अपोजिशन टू ईच अदर। ठीक है, कह रहे हैं कि सेल्फ में जो है वो सेल्फ कोई एक अकेली चीज़ नहीं है, ये भी नोटेबल चीज़ है। ठीक है, सेल्फ क्या हैज़ कंपोनेंट्स, उसमें क्या है डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, दैट वर्क इन अपोजिशन टू ईच अदर, ये क्या करते हैं एक दूसरे के खिलाफ भी काम करते हैं। ठीक है जी, सेल्फ एक मुकम्मल चीज़ नहीं है, सेल्फ के अंदर भी कंपोनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है जेन पियाजेट। ठीक है, इसने सेल्फ के बारे में क्या थ्योरी दी, जेन पियाजेट कहता है ही ड्राइव द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसने जो थी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की वो पेश की थी, विच आइडेंटिफाइड फोर स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द थॉट प्रोसेस। इसकी जो फोर स्टेजेस हैं उसमें इसने बताया कि जो सेल्फ है वो किस तरह से ये रोल प्ले करती है इंसान की ज़िंदगी में। ठीक है, द फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज, द सेकेंड वन इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, द थर्ड वन इज़ द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड द फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये फोर स्टेजेस हैं, इनको सिर्फ जो है आप इनके नेम्स जो है सिर्फ याद करें। ठीक है, मज़ीद इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, क्योंकि आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो ये नेम्स और जो इनका काम है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, इसमें एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ये भी हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन पीपल एंड ग्रुप डैट इन्फ्लुएंस अवर सेल्फ कॉन्सेप्ट इमोशन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, कह रहे कि वो लोग या लोगों का मजमूआ ग्रुप्स जो हमारी डेली लाइफ में हमारे सेल्फ हमारे कॉन्सेप्ट हमारे जज्बात हमारे एटीट्यूड बिहेवियर पर असरअंदाज होते हैं वो सारे हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। ये पीछे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, फैमिली है इसमें, स्कूल है, पीयर ग्रुप है, मैथ्स मीडिया, वर्क प्लेस इसमें है, ठीक है, रिलीजन, ये सारे क्या हैं सोशलाइजेशन के एजेंट हैं, इनके थ्रू क्या है इंसान सोशलाइज होता है। फैमिली में आप देख लें द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिगिंस शॉर्टली आफ्टर बर्थ, द सोशलाइजेशन डैट वी रिसीव इन चाइल्डहुड हैज़ ए लास्टिंग इफेक्ट ऑन आवर एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स इन द सोसाइटी। ठीक है, कह रहे हैं कि जो हम चाइल्डहुड में बचपन में जो चीज़ें सीखते हैं वही हमारी क्या है
पूरी ज़िंदगी चीज़ें वो काम आती हैं कि हमें दूसरे लोगों के साथ सोसाइटी में किस तरह से इंटरेक्ट करना है। फर्स्ट एक्सपोजर टू सोशलाइजेशन, तो किस तरह से हमने एक्सपोज करना है अपने आप को। नेक्स्ट जो है वो स्कूल है। फैमिली के बाद जो है जब बच्चा 3-4 साल का होता है तो सबसे पहले वो किधर जाता है, स्कूल जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी एजेंट ऑफ स्कूल सोशलाइजेशन, ठीक है। स्कूल क्या है, वो दूसरा एक बड़ा जरिया है सोशलाइजेशन का। ए फॉर्मल एजेंसी दैट टीचेस चिल्ड्रन वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ लार्जर सोसाइटी। एक फॉर्मली वे से बच्चों को कस्टम और ट्रेडिशनल और जो वैल्यूज़ हैं जो सिखाता है वो क्या है, वो एक स्कूल है। ऑर्गेनाइज सोशल रिलेशनशिप्स स्कूल के ये भी हैं। एंड द थर्ड वन इज़ पीयर ग्रुप, ठीक है। पीयर ग्रुप आपके कह सकते हैं जो दोस्त अहबाब हैं, ठीक है, जिनके इर्द गिर्द आपकी सराउंड करते हैं जो लाइफ है, ठीक है। यंग पीपल एसोसिएट विद अदर्स हु आर अप्रोक्सीमेटली देयर ओन एज, ठीक है, एंड इंटरसेक्ट हु ऑफन इन्जॉय ए सिमिलर सोशल स्टेटस, ठीक है। कह रहे हैं कि जो जवान बच्चे हैं, जवान लोग हैं, वो ज़्यादा तौर पर इंटरेक्ट करते हैं अपने सेम एज के एज फेलो जो हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो उनसे ही चीज़ें सीखते हैं, आपस में चीज़ें शेयर करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। सच एज़ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एट स्कूल, ठीक है। स्कूल में जो ग्रुप है दोस्तों का वो क्या है, हम पीयर ग्रुप है, ठीक है, और वो एक दूसरे को सोशलाइज करते हैं। द फोर्थ वन इज़ मैथ्स मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, इसमें वो फिगर्स उन्होंने दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 53% ऑफ ऑल चिल्ड्रन एज 12 to 18 हैव देयर ओन टेलीविजन, ठीक है। कह रहे कि 53% जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या हैं, अपने टेलीविजन है। अब तो वैसे भी जो है वो लैपटॉप और मोबाइल जो है बच्चों के पास भी हैं। टेलीविजन परमिट्स इमिटेशन एंड रोल प्लेइंग बट डज नॉट इनक्रेज मोर कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लर्निंग, ठीक है। कह रहे हैं कि टेलीविज़न जो है परमिट इजाज़त तो देता है कि रोल प्लेइंग की जो चीज़ें हैं वो बच्चों को सिखाते हैं, बट डज़ नॉट इनक्रेज मोर कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लर्निंग, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा सीखने को टेलीविज़न से बच्चों को नहीं मिलता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी सोशलाइजिंग फैमिली इंटू मल्टी टास्किंग एज सोशल नॉर्म्स। फाइव वन इज़ वर्क प्लेस जो है जिधर लोग काम करते हैं, ठीक है। लर्निंग टू बिहेव अप्रोप्रिएट विद इन एन ऑक्यूपेशनल सेटिंग इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोशलाइजेशन, ठीक है। कह रहे हैं कि एक खास बिहेवियर में एक खास तरीके से जो आपकी वर्क प्लेस है, एक टीचर है उसकी अपनी वर्क प्लेस है, एक बैंकर है उसकी अपनी एक वर्क प्लेस है, ठीक है। इसी तरह जो भी जिसका जो जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, जहाँ पर वो काम करता है, जहाँ जो उसका ऑक्यूपेशन है वहाँ पर क्या है, वो कुछ ना कुछ सीखता है, वहाँ पर वो सोशलाइज अपने आप को कर रहा होता है, ठीक है। सोशलाइजेशन इन द वर्क प्लेस इन्वॉल्व फोर फेजेस, में फोर फेजेस को उसने इन्वॉल्व किया। कैरियर चॉइस, जो कैरियर आपने चूज़ किया है वहाँ पर जो सोशलाइजेशन होगी आप उसको अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट कंडीशनिंग है कि जो जो कंडीशंस हैं उस पर बेस कर रही है ये। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है, जितना आप एंटिसिपेट करेंगे, जितना आप सीखने की कोशिश करेंगे सोशलाइजेशन को उतनी ही आप अडॉप्ट करेंगे। और कॉन्टीन्यूस कमिटमेंट, इसमें आपकी कमिटमेंट भी शामिल है कि कितने आप कमिटेड हैं। सिक्स वन इज़ रिलीजन, ठीक है। रिलीजन प्ले ए मेजर रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ मोस्ट अमेरिकन्स, इसमें अमेरिकन की दिया एग्जाम्पल, इसी तरह जो है वो पाकिस्तान में भी है, ठीक है, और दूसरे कंट्रीज़ में भी है। जो 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 रिलीजन है जो जहाँ पे जो जो है क्रिश्चियनिटी है या ज्यूइज़म है या इस्लामिज़म है, ठीक है, वो क्या है उस तरीके से लोग अपने आप को सोशलाइज करते हैं अपने मज़हब के हिसाब से। उसमें कह रहे हैं 70% ऑफ अमेरिकन बिलोंग टू ए लोकल कॉन्ग्रीगेशन एंड 2 in every 5 अमेरिकन अटेंड ए रिलीजियस सर्विस वीकली, ठीक है। ये उन्होंने जो है अमेरिकन के रिलीजियस अटेंडेंस के बारे में उसने बताया, ठीक है। रिलीजियस स्पेशली इन्फ्लुएंस मोरलिटी बट ऑल्सो आइडियाज अबाउट ड्रेस स्पीच एंड मैनर डेट आर अप्रोप्रिएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कह रहे हैं कि रिलीजियस जो है वो मोरलिटी और वैल्यूज पे तो ब्रीफ करता ही है, लेकिन इसके अलावा क्या क्या आपकी ड्रेसिंग पैटर्न, आपकी स्पीच, बोलने का तरीका और जो मैनर्स हैं उस पर भी आपको गाइड करता है, सोशलाइज करता है, ठीक है। ये नेक्स्ट ये सिंबल्स हैं, देख लें इंटरेस्टिंग हो सकते हैं आपके लिए, डिफरेंट रिलीजन्स के सिंबल्स हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं ये इस्लाम का। नंबर 7 पे स्टेट, स्टेट यानी वो जो रियासत, वो मुल्क जहाँ पर आप रह रहे हैं। दिस स्टेट हैज़
Accept many of traditional family function. The state has reinstituted many of rites of passage, including stipulating the ages at which we are permitted to. ठीक है, कह रहे कि वो स्टेट है जो आपको बताती है, सोशलाइज करती है कि कौन कौन सी जो इन चीज़ें हैं वो आपके लिए परमिटेड हैं और कौन कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं. ठीक है, मसलन ड्रिंक मैरी एंड ड्रिंक के जो है, मतलब जैसे अल्कोहल ड्रिंकिंग है, शराब की है. ठीक है, तो मुस्लिम कंट्रीज़ में तो नहीं है वो, यहाँ पे तो ऐसी सोशलाइजेशन नहीं होती जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में होती. मैरी, शादियों के जो त्यौहार हैं, ड्राइविंग के, रिटायरमेंट के, वोट के और वर्क ओवर टाइम के. ठीक है, ये हर स्टेट के क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट है. तो ज़ाहिर जो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं उसी हिसाब से क्या इंसान अपने आप को सोशलाइज करते हैं. एग्जाम्पल फिगर्स दिए हैं. ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज़ इम्पॉर्टेंट, सोशलाइजेशन अक्रॉस द लाइफ ऑफ लाइफ कोर्स. ठीक है जी, लाइफ कोर्स. ठीक है, कह रहे कि सोशलाइजेशन को हम एज अ लाइफ कोर्स किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं. ठीक है जी, सोशलाइजेशन इज़ ए कंटिन्यूस थ्रू द लाइफ साइकिल. मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितनी ज़िंदगी है इंसान की, फ्रॉम बर्थ डेथ या सोशलाइजेशन का प्रोसेस कैरी ऑन. राइट्स ऑफ पैसेज, स्पेसिफिक सेरेमनीज. ठीक है, राइट्स ऑफ पैसेज में वो कह रहे कि जो महसूस जो सेरेमनीज होती हैं हमारी, हर कल्चर की, हर सोसाइटी की डिफरेंट डिफरेंट हैं. ठीक है, वो है इसमें वैलिडेटिंग चेंजेस इन पर्सन स्टेटस. ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि शादी ब्याह की तकरीब है. ठीक है, जब शादी हो जाती है तो क्या होता है, एक पर्सन, एक इंसान है, उसका क्या स्टेटस चेंज हो जाता है, वो क्या शादीशुदा कहलाने लग पड़ता है. ठीक है, इसमें अगर कह रहे हैं मार्क स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन द लाइफ कोर्स. लाइफ स्टेजेस कौन कौन से हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैव मूव्ड अवे फ्रॉम आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक लाइफ स्टेजेस. ठीक है, कह रहे कि सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो स्पेसिफिक लाइफ स्टेजेस हैं वो मूव्ड अवे हो गए हैं. ठीक है, दैट वी आर ऑल एक्सपेक्टेड टू पास थ्रू एट सम टाइम. कह रहे कि हम सब जो लोग हैं वो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस से गुजर ही रहते हैं. ठीक है, हम बच्चे थे, फिर हम थोड़े बड़े हुए, टोडलर थे, फिर हम टीनेज थे, फिर हम क्या हुआ टीनेज के बाद एडल्ट लाइफ में आ गए हैं. तो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में हर इंसान डिफरेंट लाइफ स्टेजेस से गुजरना होता है हर इंसान को. लेस लाइकली टू फॉलोइंग एन ऑर्डरी प्रोग्रेसिंग. ठीक है, कह रहे कि ये एक ऑर्डर है जिसको हर किसी ने फॉलो करना था. ये नहीं कि एक इंसान पहले बूढ़े है और फिर वो बच्चा है और फिर वो जवान होगा, नहीं, एक इंसान पहले बच्चा है, जवान है, फिर वो बूढ़ा होगा. थिंक अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स विज यू. ठीक है, कह रहे कि सोचें आप अपने आप को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कंपेयर करके. ठीक है, आप जवान हैं या बच्चे हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के हैं या तो फोत हो चुके हैं होंगे या क्या होंगे, वो बूढ़े हो चुके होंगे. ठीक है जी, मोस्ट डिफ़िकल्ट सोशलाइजेशन चैलेंजेस, इसमें बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल जो सोशलाइजेशन के चैलेंजेस में क्या आएगा. लेटर इन लाइफ बिकॉज द ओल्डर वी बिकेम द हार्डर इट टू चेंज. हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम कहते हैं कि जो लोग बूढ़े हो गए होते हैं, बड़े हो गए होते हैं, वो बहुत मुश्किल से अपनी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर क्या करते हैं, चेंजेस ला सकते हैं. उनकी क्या करते हैं जिंदगी, हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी पक्की हो गई है. ठीक है, ये इन्हें अब चेंज नहीं आ सकता, ये जैसे हैं ये पक्के हैं इसी तरह. ठीक है, तो मुश्किल होता है जो ओल्डर एज के लोग होते हैं वो अपने आप को रीसोशलाइज कर सकें. नेक्स्ट है फंक्शनल अप्रोच, इसमें डिसंगेजमेंट थ्योरी है. ये थ्योरी भी आपने याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी, डिसंगेजमेंट थ्योरी, सोसाइटी एंड द एजिंग म्यूचुअली सिवियर रिलेशनशिप वर्क स्पॉट आउट इन सोसाइटी. ठीक है, कह रहे हैं सोसाइटी एंड द एजिंग म्यूचुअली सिवियर रिलेशनशिप. एजिंग है, एजिंग एक फिनोमेना है. ठीक है, ये एजिंग हम कह सकते हैं, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा हो रहा था उसको क्या कहते हैं, एजिंग फिनोमेना कहते हैं. कह रहे हैं कि सोसाइटी और जो बूढ़े होने का प्रोसेस है वो उनका आपस में बहुत गहरा तल्लक है. ठीक है, कैसे तल्लक है, एम्फिसाइजिंग पासिंग सोशल रोल्स फ्राम जनरेशन टू अनदर इंश्योर स्टेबिलिटी. कैसे, एक जो जनरेशन है जो बूढ़ी हो चुकी है, जो एजिंग हो चुकी है, वो क्या करती है अपने रोल्स क्या करती है, अपने पीछे आने वाली जनरेशन को क्या करती है, पास कर देती है. ठीक है, इफ़ द एल्डरली डोंट मूव
आउट ऑफ द वे स्टेप आउट ऑफ सोसाइटी द यंग विल नेवर बी एबल टू मूव इनटू देयर रोल्स। ठीक है, वो कह रहे कि अगर जो बूढ़े लोग हैं वो इस दुनिया से स्टेप आउट नहीं करेंगे, मतलब फोर्थ नहीं होंगे, दुनिया से नहीं जाएंगे, तो जो जवान लोग हैं या आने वाले लोग हैं उनको सोसाइटी में अपने रोल्स कैसे मिलेंगे, उनके लिए जगह ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये भी क्या एक नेचुरल प्रोसेस है। सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म अप्रोच, इसमें हमने तीन अप्रोचेज पढ़ी थी। ठीक है, फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट और सिम्बॉलिक। ठीक है, इसमें सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन अप्रोच है उसकी उसका वो जिक्र कर रहे हैं। इसमें क्या है, एक्टिविटी थ्योरी आती है। ठीक है, सोशलाइजेशन है, ये भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी थ्योरी क्या है, एल्डरली पर्सन हु रिमेंस एक्टिव सोशली इन्वॉल्व विल बी बेस्ट एडजस्टेड। ठीक है, कह रहे कि जो बूढ़े लोग हैं वो रिमेन एक्टिव, जो अपने आप को एक्टिव रखते हैं, ठीक है, सोशली इन्वॉल्व विल बी बेस्ट एडजस्टेड, तो क्या करते हैं बुढ़ापे में भी अपने आप को बेस्ट एडजस्ट कर लेते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, सोशलाइज कहीं ना कहीं वो कर लेते हैं अपने आप को। ये थेरीज हैं, ठीक है, ये सब कुछ थेरीज में ही, हम सब ये सारा कुछ आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना और तैयार करना। सेम नीड फॉर सोशल इंट्रैक्शन एज एनी अदर ग्रुप। ठीक है, सेम ये जो क्राइटेरिया है, ठीक है, एक्टिव होने का, वो किसी भी दूसरे ग्रुप पे अप्लाई होगा। एजिंग सिटीजन विल फील सेटिस्फाइड ओनली वैन दे कैन बी यूजफुल प्रोडक्टिव इन सोसाइटी मॉम्स वर्किंग फॉर विजेस। ठीक है, कह रहे कि जो बूढ़े लोग हैं वो तभी अपने आप को जो है मुतमिन फील करेंगे वैन दे कैन बी यूजफुल, जब वो समझेंगे कि वो सोसाइटी के लिए क्या फ़ायदा मंद है, जब वो समझेंगे कि हम अब बूढ़े हो चुके हैं, 80-90 साल के हो गए, हमारा कोई सोसाइटी में फ़ायदा नहीं, बजाय सोसाइटी पर क्या है बोझ है, तो वो अपने आप को क्या करेंगे सोसाइटी के लिए यूजफुल नहीं समझेंगे। ठीक है, और वो क्या करेंगे एक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक है, विदड्रॉल इज़ हार्मफुल एल्डरली सोसाइटी फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्डरली टू द मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। कह रहे कि विदड्रॉल यानी जो बूढ़े लोग हैं उनको जब हम बिल्कुल विदड्रॉल कर लेते हैं सोसाइटी की एक्टिविटीज से, तो ये क्या बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है किन के लिए, बूढ़े लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कन्फ्लिक्ट अप्रोच को भी कर रहे हैं। कन्फ्लिक्ट अप्रोच किस तरह से डिफाइन कर रही है सोशलाइजेशन के प्रोसेस को, गोज अगेंस्ट द डिसंगेजमेंट सफर। ये कह रहे हैं कि डिसंगेजमेंट की थ्योरी जो हम पीछे पढ़ रहे हैं उसे ये अगेंस्ट है, उसके मुख्तलिफ है। सफर मोर वैन एंड एक्टिविटी थ्योरी दे बिकेम ओल्ड। ठीक है, एज एंड अदर फैक्टर ऑफ अन इक्वल शेयरिंग ऑफ पावर। ठीक है, इसने बात ही खत्म कर दी है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी में वो कह रहा है कि जब ये एज पे आप आ जाते हैं, एजिंग पे आ जाते हैं, एक बंदा जब बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आ जाती है। अगर एक इंसान जो कमज़ोर है और एक ताकतवर है उसके पास सेम पावर तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर उसके पास आ जाती है। फेमिनिस्ट थ्योरी है इसमें, ठीक है, ये आप स्किप कर देते हैं हम। ठीक है, टाइप्स पे आ जाते हैं। ठीक है, देयर आर टू जो है वो टाइप्स हमने पीछे भी ब्रीफली एक्सप्लेन किए हैं, इसमें भी वही हैं, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। इस चैप्टर में कुछ डिफरेंट पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, जो मेन थे वो हमने सारे जो है वो कर लिए हैं। टाइप्स हैं वो भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, इसमें बस यही है, बस ठीक है, इतना ही हमने स्टडी करना था। तो आई होप के आपको समझ आई है सबको, तो सबको पढ़ें। ठीक है, टाइप्स, उसके बिहेवियर, नेचर और ये सारी जो चीज़ें ये डिस्कस हो चुकी हैं दोनों पार्ट्स में इस लेक्चर के, उनको तैयार करें और फिर हम इस पर जो है वो जूम मीटिंग में भी इन चीज़ों को सबको डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।